दोस्तों स्वागत है आपके और मेरी YouTube चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट हो रहा है ट्रेनिंग पोस्ट में, तो उसके लिए मैं अभी आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों जॉब लोकेशन इसका रहेगा आपका बर्धमान, वेस्ट बंगाल, बानपुर, जिसके लिए यहाँ पे पोस्ट जो निकला हुआ है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी 126 जो पोस्ट है या वैकेंसी है। इसके साथ साथ डिसिप्लिन जो कि रहेगा यहाँ पे मैकेनिकल 36, मेटलुगाड़ी 35, इलेक्ट्रिकल 25, इंस्ट्रूमेंटेशन 10 एंड केमिकल 5, सिविल ट्रेन एंड कार्मिकी के लिए 5। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो है पोस्ट है अटेंडेंट काम टेक्नीशियन ट्रेनी 30, तो ये 30 पोस्ट है यहाँ पे, 30 वैकेंसी है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो डिसिप्लिन जो है फिटर 10 वैकेंसी पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 10, ट्रेनर के लिए 5, वेल्डर के लिए 3 एंड मैकेनिस्ट के लिए 2। इसके साथ साथ दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन लोग जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑपरेटर काम ट्रेनिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, मेटलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, केरामिक डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मिनिमम 50% मार्क्स और 40% मार्क्स फॉर SC ST PWD। इसके बाद जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, उसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन एंड ITI फुल टाइम इन फिटर, इलेक्ट्रिशियन, चर्नर, वेल्डर, मार्चिनिस्ट, ट्रेड फॉर्म गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रजिस्टर इंस्टीट्यूशन। उसके बाद यहाँ पे आपको एज लिमिट के बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आप 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर ये दोनों पोस्ट जो है ऑपरेटर कम ट्रेनिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन जो रहेगा SC ST के लिए 5 ईयर्स एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स एंड PWD के लिए 10 ईयर्स जनरल, 15 ईयर SC ST एंड 13 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी के बात कर लेते हैं। दोस्तों फास्ट जो पोस्ट है यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड S3 सैलरी रहेगा इसके 16,800 to 24,110 rupees एंड सेकेंड पोस्ट जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जिसका ग्रेड 1 और सैलरी रहेगा 15,832 to 22,150। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि सिलेक्शन क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन आपको रिटेन एग्जाम देना होगा एंड उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपको होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो कि आपका जो जॉब है आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे फिजिकली टेस्ट जो होगा उसके लिए आपको हाइट फॉर मेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर एंड वेट 45 kgs एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 143 सेंटीमीटर एंड 35 kgs आपको यहाँ पे जो कि रिक्वायर है फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जनरल वालों एंड OPC वालों के लिए 250 rupees आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। SC ST PWD के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं लगेगा। इसके साथ साथ जो सेकेंड पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, उसके लिए जनरल एंड OBC वालों के लिए 150 rupees आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। SC ST PWD के लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस जो कि नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन जो कि है आपको यहाँ पे ऑनलाइन में जाके करना होगा। इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
आपका जो ऑनलाइन पेमेंट वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिसेंटली जो जो पोस्ट निकला है उसका डिटेल। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एप्लीकेशन करने में आप लोग कमेंट करके या मेरे फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज है नीचे दिया हुआ है उसका लिंक आप लोग वहाँ के जाके भी मेरे को पूछ सकते हैं। और कोई भी आपके पास अगर कोई भी एडवाइस होता है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे को ईमेल या मेरे कमेंट के थ्रू आपको बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे जो कि भूल कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे मेरे को बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।